पशु तस्करी के लिए ले जा रहे पशुओं से भरे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस में कराया जब्त। मध्य प्रदेश जिला सीधी, जी हां हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के पोड़ी चौकी अंतर्गत हो रहे पशु तस्करी पर पुलिस लगाम नहीं कस पा रही है, जिससे मध्य प्रदेश से पोड़ी चौकी होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की ओर पशु तस्करी का कार्य जोरों से चल रहा है, जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। शायद यही कारण है, नहीं तो सड़क किनारे चौकी होने के बाद भी पुलिस इन तस्करों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पूर्व में भी कई ट्रक जो पशु तस्कर में लगे हुए थे, जिसमें से एक ट्रक का पहिया धस जाने के कारण ट्रक का चालक टक लेकर भागने में असमर्थ था, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर ट्रक सहित कई संख्या में पशु पुलिस ने जब्त किए थे। अब दूसरी बार भैंसों से लगे इस ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पोड़ी चौकी पुलिस को सूचना दी, जिसमें चौकी पुलिस के द्वारा अब कार्यवाही की जा रही है। वही भैंसों से लदे ट्रक को पुलिस ने कोडार गौशाला में शिफ्ट करने के लिए भेज दिए है और कार्यवाही चल रही है। सूत्रों की माने तो इस क्षेत्र से लगातार पशु तस्करी होती है। सूत्र बताते हैं कि जिले में सक्रिय कथित हिंदू संगठन और तस्करों की मिलीभगत से यह कारोबार खूब फलता फूलता है। इसकी काली कमाई के हिस्से आपस में मिल बांट के खाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस अब इन पशु तस्करों में क्या नकेल डाल पाती है, या पशु तस्करी इसी तरह होती रहेगी।